हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे विंडोज़ में जो आपका स्टार्ट बटन होता है, ये सेम सिंबल आपका कीबोर्ड पर भी अवेलेबल होता है की के रूप में। इसको जब आप प्रेस करते हो कीबोर्ड पर और उसके साथ कोई कुछ की प्रेस करते हैं, तो उनके बारे में आज मैं आपको डिफाइन करूँगा। तो विंडोज़ की के साथ अगर आप आर प्रेस करते हैं तो आपकी रन कमांड एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर रन के लिए डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर आप जिस प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं उसके नाम को यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे वर्ड को आप रन कराना है तो आप विन वर्ड लिखोगे, एक्सेल को रन कराना है तो यहाँ पर आप एक्सेल टाइप कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको पावर पॉइंट कराना है तो आपको पावर PNT टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपको नाम लिखना है वो नाम की फाइल आपके कंप्यूटर पर होनी चाहिए। तो ये था आपका Windows R यानी कि रन कमांड का काम। विंडोज़ के साथ दूसरी की होती है जो आप दबा सकते हो, वो होती है ई। विंडोज़ के साथ जब आप ई प्रेस करते हैं तो आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल करके आपके स्क्रीन पर आ जाता है। फ्रेंड्स, फाइल एक्सप्लोरर वो जगह है जहां पर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर की सारी ड्राइव्स जो आपने लेटेस्ट वर्क किए होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो आपका नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, सब डाउनलोड्स है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, इन सब फोल्डर्स को दिखाता है। ये जो येलो कलर के बन करके आते हैं ये आपके फोल्डर्स होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ डिस्क PC पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो जो ड्राइव यानी कि मेरे कंप्यूटर पर लगी एक ही हार्ड डिस्क है, बट उसके अंदर मैंने पार्टीशन या डिवाइड कर रखा उनको अलग अलग हिस्सों में, तो उसके वो ड्राइव्स को यहाँ पर शो कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि ये इसके अंदर कितनी कितनी स्पेस बची हुई है। तो ये था आपका विंडोज़ ई एक्सप्लोरर का काम। एक्सप्लोरर के माध्यम से हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे अपने डाटा को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह या मूव करा सकते हैं। इसके लिए हम अलग वीडियो में सीखेंगे। तीसरा ही कमांड होती है विंडोज़ के साथ आपका टी। विंडोज़ टी जब आप प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये जो टास्क बार है, इसे हम टास्क बार कहते हैं, इस टास्क बार के ऊपर जो आपका ये आइकन बना हुआ है, यानी कि जो हमने इसको यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर को पिन करके रखा है। पिन का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हमको जल्दी यूज़ करना होता है उसको हम क्या करते हैं, अपने टास्क बार पर पिन कर लेते हैं। जब आप किसी सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन ये आपको मिलता है पिन टू टास्क बार का। अब जब आपने यहाँ पर पिन कर रखा है तो क्या होगा, ये इस पर आपका आ जाएगा, उसको आप जैसे जैसे मूव कराना चाहो एरो की से आप मूव करा के उस पर जा सकते हो। मान लीजिए मुझे कैलकुलेटर खोलना, कैलकुलेटर पर आकर मैं एंटर कर दूंगा तो कैलकुलेटर मेरा जो है ओपन होकर के आ जाएगा। इसके बाद अगली की जो होती है वो आपकी होती है विंडोज़ के साथ डी। डी से क्या होगा कि ये जो आपका कर्सर है वो आपका डेस्कटॉप पे पहुंच जाएगा। जो डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरे आइकन्स बने हुए हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं, और अगर कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम डाल रखा है तो ये यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके मैं एंटर करूँगा तो वो चीज़ जो है मेरी ओपन हो जाएगी। तो ये कुछ कीज थी जिनके बारे में मैंने आपको आज बताया, विंडोज़ ई, विंडोज़ आर, विंडोज़ टी और विंडोज़ डी के बारे में। थैंक यू।